देखो तुम्हें क्लासकोड का टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, कैरेक्टर कम्बिनेशन भी पता है, फिर भी मैच हारते हो। उसका रीजन है वीपन्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लासकोड का फर्स्ट राउंड से लेके लास्ट राउंड तक कौन कौन सा गन यूज करना है वो बताऊंगा और क्लासकोड के लिए 3 बेस्ट गन कम्बिनेशन भी बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो क्लासकोड का फर्स्ट राउंड से तुम्हें गन का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहां मुझे M500 और G18 का ऑप्शन मिला, तो मैं आंख बंद करके G18 ले लिया, क्योंकि G18 एक रैपिड फायर गन है जिसका रेट ऑफ फायर M500 से 4 गुना ज्यादा है और G18 से इजीली एनिमी को ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो। वहीं आप लोग क्या गलती करते हो, G18 के जगह स्टाइल मारने के लिए M500 लेते हो और M500 से हेडशॉट मारना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपके पास M500 और G18 या M500 या WSP का ऑप्शन है तो हमेशा जीतने के लिए G18 या WSP को यूज करो। आप लोग जीतने के लिए गेम खेल रहे हो, हारने के लिए थोड़ी ना खेल रहे हो। और हाँ, बहुत बार M500 की जगह छोटा वाला शॉटगन मिलता है M1873, जैसे कि इस वाले मैच में मुझे M1873 और G18 का ऑप्शन था, तो मैं देखा कि मेरे टीममेट G18 ले रहे हैं, तो मैं M1873 ले लिया, छोटा वाला शॉटगन ले लिया। अब देखो, छोटा वाला शॉटगन यूज कर रहे हो मतलब शॉर्ट रेंज में घुस के मारना है, ओके। और गाइस, क्लासकोड का फर्स्ट राउंड जीतने के लिए एक स्ट्रेटजी बताता हूं। अगर एनिमी के पास M500 है और तुम्हारे पास G18 या WSP है, देन क्लोज रेंज में फाइट करो। और अगर तुम्हारे पास G18 और एनिमी के पास छोटा वाला शॉटगन है, देन मिड रेंज से फाइट करो। और अगर तुम्हारे पास छोटा वाला शॉटगन और एनिमी के पास G18 या WSP या M500 कुछ भी है, तो उसको शॉर्ट रेंज में जाके घुस के मारो। तो पहले पता करो एनिमी के पास कौन सा गन है, उसके बाद रश करो, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट राउंड जीतने के बाद अब बारी है सेकंड राउंड का। सेकंड राउंड यहाँ आपको 6 से 7 गन का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे पास 1700 कॉइन है, तो मैं सबसे पहले एक मैक 10 ले लिया, क्योंकि मैक 10 से मैं शॉर्ट रेंज और मिड रेंज से एनिमी को आराम से मार सकता हूँ और मैक 10 ऑटोमेटिक अपग्रेड भी हो जाएगा एनिमी को डैमेज देने से, इसलिए मैं मैक 10 ले लिया। और किसी किसी स्टोर में मैक 10 का ऑप्शन नहीं होगा, तो तुम थॉमसन, MP5, UMP, बीजन ये सब गन को यूज कर सकते हो। देन सेकंड राउंड जीतने के बाद थर्ड राउंड में अगर तुम एक स्नाइपर प्लेयर हो, देन AWM ले लो या VSK ले लो, जो भी एक स्नाइपर है वो ले लो, और रसर हो तो एक शॉटगन ले लो। तो अब सभी प्लेयर के पास दो दो गन होगा, स्नाइपर के पास दो गन होगा, जैसे कि एक स्नाइपर और एक SMG गन। लॉन्ग रेंज से स्नाइपिंग करेगा और अगर शॉर्ट रेंज फाइट करना होगा तो SMG गन तो है। वैसे ही रसर के पास दो गन का ऑप्शन होगा, एक कोई भी SMG गन और एक शॉर्ट गन। एनिमी को शॉर्ट रेंज में शॉर्ट गन से मारो और मिड रेंज में SMG गन चलाओ। तो ऐसे ही आपको गन कम्बिनेशन यूज करना है, ओके। तो चलो मैं आपको 3 बेस्ट गन कम्बिनेशन बताता हूँ क्लास कोड के लिए। नंबर 1, MP5 और MAC-10 प्लस MAC-7, ये क्लोज रेंज फाइट के लिए खतरनाक गन कम्बिनेशन है। देन नेक्स्ट गन कम्बिनेशन है ऑग या स्कार प्लस M1014। तो ऑग और स्कार एक असॉल्ट राइफल है जिसे तुम एनिमी को लॉन्ग डिस्टेंस से आराम से नॉक कर सकते हो। शॉर्ट रेंज के लिए M1014 ये एक शॉर्ट गन है जिसे तुम क्लोज रेंज फाइट में यूज कर सकते हो। देन थर्ड कम्बिनेशन है AWM प्लस बीजन और UMP। आप AWM के साथ बीजन या UMP को यूज कर सकते हो। तो AWM एक स्नाइपर है, तो ऑब्वियसली ये कम्बिनेशन तुम्हारे टीम का स्नाइपर प्लेयर यूज करेगा। AWM से आप एनिमी को 1-2 गोली में आराम से नॉक कर सकते हो और लॉन्ग डिस्टेंस से हाई डैमेज दे सकते हो। इसके साथ SMG गन इसलिए यूज करना है, कभी कभी स्नाइपर को शॉर्ट रेंज में रश करना पड़ सकता है, तभी अगर तुम्हारे पास SMG गन होगा, बीजन या UMP, तो तुम आराम से शॉर्ट रेंज में संभाल सकते हो।